आज हम बात करने वाले हैं भुवनेश्वरी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। तो कौन कौन सी डिटेल है जो आपको इस हॉस्टल के बारे में जाननी चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने बिलासपुर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और आप मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो हमने इस पर भी पूरी वीडियो बनाई हुई है। मेरिट लिस्ट आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियोस पर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो आज हम लोग आए हैं भुवनेश्वरी गर्ल्स हॉस्टल, जो कि बिलासा कॉलेज से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में ये रोड है जो कि मेन रोड पर निकलता है, जहां से आपको 24 आवर्स ऑटो मिल जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं हॉस्टल के अंदर की ओर, और यह है ग्राउंड फ्लोर। यहाँ आयुर्वेद पंचकर्मा नेचुरोपैथी चिकित्सालय है, जो कि डॉक्टर एनएल गवेल यहाँ के डॉक्टर हैं और इनको 45 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप या फिर आपके रिलेटिव में किसी को नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कराना है तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हॉस्टल के अंदर की ओर। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर हॉस्टल ऑनर लोग रहते हैं। इसके बाद है सेकंड फ्लोर, जहाँ से हॉस्टल स्टार्ट होता है। ये है बाहर का व्यू जहाँ से हम लोग अभी आए। अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर, जहाँ से हॉस्टल स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ के रूम्स क्या क्या अवेलेबल्स हैं इन रूम्स में। तो देखिए, सबसे ख़ास बात है यहाँ की खिड़कियाँ, जो कि बहुत एरी है। साथ में यहाँ से लाइट इतनी आती है कि लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये है अलमारी, यहाँ के सभी रूम्स में अलमीरा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अंदर का स्ट्रक्चर। यहाँ टेस्ट लेट बाथ वाले भी रूम अवेलेबल है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो है, जो कि हॉस्टल ऑनर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। अगर आप भी अपने हॉस्टल शॉप या फिर किसी अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम एड्रेस सेंड कीजिएगा और अपने बिजनेस का डिटेल। अगर आप स्टूडेंट हैं और हॉस्टल ढूंढ रहे हैं, और अगर आपको ये हॉस्टल पसंद आ रहा है, यहाँ के रूम्स पसंद आ रहे हैं, तो फिर आप इस हॉस्टल को बुक करने के लिए डायरेक्ट नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हॉस्टल ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ का रूम रेंट स्टार्ट होता है 1500 से लेकर 1800 तक है। इस हॉस्टल में सिंगल बेड, डबल बेड एंड ट्रिपल बेड अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग रूम चूज कर सकते हैं बेड्स के अकॉर्डिंग।
यह है कॉमन लेड बाथ, जिस रूम में लेड बाथ अटैच्ड नहीं है उनके लिए है। इसके बाद है ये वाला रूम, यहाँ बहुत धूल दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी कॉलेजेस बंद होने के कारण यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आए थे, तो ये रूम बंद पड़ा था इसलिए बहुत धूल धूल दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ का हॉस्टल पसंद आ रहा है, यहाँ के रूम्स पसंद आ रहे हैं, तो आप बुकिंग के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल के बारे में और कुछ डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने हॉस्टल, शॉप या फिर किसी भी और बिजनेस को, जैसे कोचिंग सेंटर या फिर कॉलेज स्कूल का एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे थर्ड फ्लोर की ओर। थर्ड फ्लोर के रूम्स के साथ बैल्कनीज भी अवेलेबल है। ये यहाँ का गार्डन है जो कि पूरा कॉलोनी वाला गार्डन है, आप यहाँ पर जाकर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब हम चल रहे हैं इस हॉस्टल के छत की ओर। तो हम छत पर पहुंच सकते हैं, आप यहां से इसका आउटर लुक देख सकते हैं, चारों तरफ का नज़ारा। यहां छत में अंकल लोग कुछ कुछ लगाए हुए हैं। ये जो सामने दिख रहा है बड़ा सा बिल्डिंग बहुत दूर में, वो है बर्जेस स्कूल, उसके जस्ट साइड में है बिलासा कॉलेज। पर आप डायरेक्ट इधर से नहीं जा सकते, आपको घूम कर जाना पड़ेगा, इधर से गेट नहीं है। और ये है कॉलोनी गार्डन। तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हॉस्टल के रूम्स पसंद आए हो और आप यहाँ रहना चाहते हो तो आप नीचे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ बुकिंग के लिए। और अगर आप हॉस्टल ऑनर हैं और आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने हॉस्टल्स का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना डिटेल। सो थैंक यू एवरीवन।